वेट कर देंगे। आज का जो एपिसोड है वहाँ होंगे खास बनाया है मैंने। आज की रेसिपी है बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है, इसमें टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ चिकन चीज़ कॉर्न बनाने लगा हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चिकन मैरिनेट करके रखा है मैंने, टिक्के का मैरिनेशन करा है मैंने इसमें, बगैर दही वाला टिक्का जो लास्ट मैंने वीडियो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर करी भी है, मैरिनेशन मैंने करी है। अब इसको हम पकाएंगे। पकाने का तरीका मैंने आपको बताना है, इसलिए पकाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें इसको हम पकाते हैं। 50 ml ऑयल ऐड कर देना इसमें। सबसे पहले इसके अंदर हम प्याज, आधा प्याज का ऊपर का हिस्सा जो होता है सिल्वर अनियन, वो इसमें ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, इसको हमने ब्राउन गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ हम हल्का सा नरम करेंगे ताकि इसका पानी है और सूख जाए। ये देखिए इस पोजीशन पे हम इसके अंदर जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था ऐड कर देंगे। तो आपने अच्छी तरह पकाना है, वेल डन करना है। ये देखिए माशाल्लाह चिकन बहुत बेहतरीन रेडी हुआ है। सर आपने अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। देखें चिकन अपने हिसाब से ब्लेंड कर लीजिएगा। इसको हम एक कटोरे में निकालते हैं। देखिए एक कटोरे में मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसके अंदर एक लार्ज शिमला मिर्ची चॉप, थोड़े से हम इसके अंदर हरा प्याज वाइट करेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर रहा हूँ, मैनीज ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। 2 tablespoons मैंने मैनीज ऐड करी इसके अंदर। अब सबसे लास्ट में हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। ये देखें मोज़रेला और चेडर चीज़ 1/2 cup मैंने इसमें ऐड कर दिए, 1/2 cup से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार मिक्सचर रेडी हुआ है, फुल क्रीमी मिक्सचर चिकन चीज़ कॉर्न। अब इसके हम कॉर्न बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका हम चीज़ कॉर्न बनाते हैं। देखिए मांडे का जो शेप है, देखिए डी शेप में मांडा, मैंने मांडा लिया है। इसकी एक साइड पे हम जो मैदे की आटे की लही बनाते हैं वो लगा लेंगे। देखिए अब आपने इसको यूँ करके, मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। ये देखें ये कौन है, आपने यहाँ मिलाना है इधर। उसके बाद आपने इसको इसी तरह ही फोल्ड करते रहना है। ये लही लगी होगी और ये चिपकता रहेगा। ये देखें नीचे से होल भी नहीं है, बिल्कुल पैक है, चीज़ कॉर्न रेडी हो गया है। इसके अंदर हम जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। देखें अब आपने इसको देखें यूँ करना है, 1 यहाँ से आपने पैक करा, फिर आपने 2nd, आपने फिर आप लही लगानी है मैदे की, ये हो गया 3rd। ये हमारा चीज़ कॉर्न देखें रेडी हो गया। इसको आप पहले बना के रखेंगे, उसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। इसी तरह हम इनको सबको बना लेते हैं। देखिए माशाल्लाह चीज़ कॉर्न रेडी हो गए। अब इसकी हम कोटिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी कोटिंग, इसके अंदर अंडे के अंदर इसको डिप करेंगे।
अब इसको हम ये ब्रेड क्रम में डिप करेंगे, तो अच्छी तरह कोट करेंगे। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन कोट हुआ। इसी तरह आपने आपने सब चीज़ को उनकी कोटिंग कर लेनी है इस तरह। देखिए माशाल्लाह चीज़ कॉर्न रेडी हो चुकी है, मैंने सब चीज़ कॉर्न को कोट कर लिया है। अगर आपने स्टोर करना हो इसको तो आपने जिपर बैग या किसी डब्बे में डाल के इसको रख देना है फ्रीज़र में। हम नेक्स्ट प्रोसेस फ्राइंग की तरफ चलते हैं। फ्राइंग के लिए हमने ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए माशाल्लाह अच्छी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।